याद रखना, भारत के अंदर हम सब मिलकर के रहेंगे, अगर हमारा देश सुरक्षित है हम सब सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमने अतिथि देवो भव के भाव को सदैव प्राथमिकता दी है, लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा, और इसके लिए कानून है, कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बारे में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और मैं बंजारा समाज के अपने भाइयों से कहूंगा कि एक बार फिर से अंगड़ाई लेने की आवश्यकता है, अपने पौरुष को जगाने की आवश्यकता है, समाज को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता है, धर्म जागरण के सानिध्य में रह करके सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए, अपने पूज्य संतों का सानिध्य लेते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए अगर हम मिलकर के कार्य करेंगे तो हमारी एकता के माध्यम से कोई हमारी जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई धर्मांतरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण के विरुद्ध कानून हमने बनाया है, उस कानून में व्यवस्था हमने जरूर दी है कि अगर किसी कालखंड में कोई हिंदू किसी अन्य मत और मजहब में चला गया, वो वापस आना चाहता है, उस पर एक कानून लागू नहीं होगा, वो वापस आ सकता है, उसकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन वह किसी अन्य धर्म में नहीं जा सकता। और यह व्यवस्था जो दी है, उस व्यवस्था को हम सब मान करके कार्य करेंगे तो न केवल देश के अंदर अपने आप ही सनातन धर्म तो सबकी सुरक्षा का कवच है, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर क्षेत्र, हर भाषा और विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी यही प्रशस्त कर सकता है।